हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑप्टिकल प्राइम में। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है होगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं फ़िल्म और फोटोग्राफी से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, और बिहाइंड द सीन्स के थ्रू आपको बताता हूँ कि मैंने वो वीडियो या फ़ोटोशूट कैसे किया है। तो आज की वीडियो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने जो आपने सिनेमेटिक शॉट अभी देखे, जो मोटिवेशनल स्टोरी आपने देखी, वो कैसे शूट करा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं फिल्म और फोटोग्राफी पे चीज़ें बनाता हूँ, इस वीडियो शूट के पीछे एक्चुअली एक स्टोरी है, और वो ये है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एक ब्लॉग कैसे शूट करते हैं ये दिखाने के लिए, एक्चुअली उनका प्रैक्टिकल कराने के लिए ले गया था। और ये जो सीन है वो उनके असाइनमेंट शॉट के तौर पे थे, मतलब उन्हें एक असाइनमेंट शूट करके मुझे देना था, जिसमें से उन्होंने ये सीन मुझे शूट करके दिया होता, जिसका मैं भी पार्ट था। लोकेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है, जो कि गुड़गांव में पड़ता है, गुड़गांव और दिल्ली के बॉर्डर पे पड़ता है। और अगर आप वाकई कोई ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ इस शहर में काफ़ी कम भीड़ है और आपको एक्सप्लोर करने की जगह मिल सकती हो, तो आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्लेस। आपको यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत से फोटोग्राफर्स माइक्रो फोटोग्राफी और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने के लिए आते हैं, और इसी वजह से मैं अपने स्टूडेंट्स को उनके असाइनमेंट के लिए यहाँ पे लेके गया था। और उनमें से एक स्टूडेंट ने मुझे ये सुझाया कि हमें एक सिनेमैटिक सीन शूट करना चाहिए, जिसमें उन्होंने मुझे एज ए कैरेक्टर कास्ट किया हुआ था। इस सीन के लिए मेरे चार स्टूडेंट थे, शिवम, अभिषेक, आशीष और हर्षद। क्योंकि ये असाइनमेंट उन सब चारों में बराबर बराबर बंटी थी, मैंने सीन को चार हिस्सों में बांटा और उन्हें अपने अपने सीन के ऊपर पूरा कंट्रोल, फुल डायरेक्शन का ऑप्शन दिया, ताकि वो अपने सीन को अपने तरीके से और बेस्ट तरीके से उसे शूट कर पाए, राइट। चूँकि इस सीन में ड्रामा बहुत है, ये सारा शूट हमारे पास गिम्बल होने के बावजूद भी हमने हैंड हेल्ड करा है, जिससे कि सीन में ड्रामा ज़्यादा दिखाई दे, आप देख पा रहे होंगे। और बेसिकली इस तरह के शूट में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई सिनेमैटिक सीन शूट कर रहे हैं, कोई ऐसा सीन शूट कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा केओस, बहुत ज़्यादा ड्रामा दिखाना है और व्यूअर पर्सपेक्टिव को अलग अलग एंगल से दिखाना है, तो आपको मल्टीपल कैमराज की ज़रूरत पड़ती है। हमने इस सीन के लिए दो कैमराज का इस्तेमाल किया हुआ था, और मल्टीपल कैमरा एंगल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, मतलब कि एक सीन को ही शूट करने के लिए आपको दो से ज़्यादा कैमरों की ज़रूरत पड़ती है। और चूँकि हमारे पास कैमरे की लिमिटेशंस थी, तो हमने एक ही सीन को बार बार अलग अलग एंगल से शूट किया हुआ था। फोटोग्राफी के बारे में आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा। हम में से बहुत से लोग फोटोग्राफी स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, कुछ इंस्टाग्राम पे लाइक्स, और कुछ अपने हॉबी के तौर पे इसे स्टार्ट करते हैं। फोटोग्राफी मेरे लिए एक जर्नी है जहाँ पे आप एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करते हैं, मतलब मैं ये चीज़ सिर्फ सोशल मीडिया पे
अटेंशन पाने के लिए उन सब चीज़ों के लिए नहीं करता। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर फोटो हर वीडियो शूट के बाद मैं उन चीज़ों को वापस याद करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि पिछले शूट में या पिछले वीडियो शूट में मैंने क्या एक्सपीरियंस गेन किया। इस वीडियो शूट में मैंने लिटरली खून बहाया है, अगर आप देख पाए तो एक सीन में मैं कांटे से खुद को चुभो रहा हूँ और मुझे वो सीन हमेशा याद रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप भी कोई ऐसा ही पर्सपेक्टिव लेके फोटोग्राफी को परसू करेंगे और यकीन मानिए अगर आप ऐसी किसी पॉइंट ऑफ व्यू या पर्सपेक्टिव को लेके फोटोग्राफी को परस्यू करते हैं तो आप अपने आप को बाकी के फोटोग्राफर से अलग खड़ा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको सीखने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ मिला हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिएटिव बनिए। अगली वीडियो तक।